आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। आज मैं आप सब लोगों के लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास आनंद मठ लेके आई हूँ। आज हम इसके पहले भाग से रूबरू होंगे। आशा करती हूँ आप सबको ये पसंद आएगी। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों और जानकारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसके पहले भाग की शुरुआत करते हैं। दूर दूर तक फैला हुआ जंगल। जंगल में ज़्यादातर पेड़ शाल के थे, लेकिन इनके अलावा और भी कई तरह के पेड़ थे। शाखाओं और पत्तों से जुड़े हुए पेड़ों की अनंत श्रेणी दूर तक चली गई थी। विच्छेद शून्य, छिद्र शून्य, रोशनी के आने जाने के ज़रा से मार्ग से भी विहीन ऐसे घनीभूत पत्तों का अनंत समुद्र कोस दर कोस पवन की तरंगों पर तरंग छोड़ता हुआ सर्वत्र व्याप्त था। नीचे अंधकार, दोपहर में भी रोशनी का अभाव था, भयानक वातावरण। इस जंगल के अंदर से कभी कोई आदमी नहीं गुजरता। पत्तों की निरंतर मरमर तथा जंगली पशु पक्षियों के स्वर के अलावा कोई और आवाज़ इस जंगल के अंदर नहीं सुनाई देती। एक तो ये विस्तृत, अत्यंत निबिड़ अंधकारमय जंगल, उस पर रात का समय, रात का दूसरा पहर था। रात बेहद काली थी। जंगल के बाहर भी अंधकार था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जंगल के भीतर का अंधकार पाताल जैसे अंधकार की तरह था। पशु पक्षी बिल्कुल निस्तब्ध थे। जंगल में लाखों करोड़ों पशु पक्षी, कीट पतंग रहते थे। कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा था, बल्कि उस अंधकार को अनुभव किया जा सकता था। शब्दमयी पृथ्वी का वो निस्तब्ध भाव अनुभव नहीं किया जा सकता। इस असीम जंगल में, उस सूची भेद्य अंधकारमय रात में, उस अनुभवहीन निस्तब्धता में एकाएक आवाज़ हुई। मेरी मनोकामना क्या सिद्ध नहीं होगी? आवाज़ गूंजकर फिर उस जंगल की निस्तब्धता में डूब गई। कौन कहेगा कि उस जंगल में किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी थी? कुछ देर के बाद फिर आवाज़ आई, फिर उस निस्तब्धता को चीरती आदमी की आवाज़ सुनाई दी। मेरी मनोकामना क्या सिद्ध नहीं होगी? इस प्रकार तीन बार वो अंधकार में समुद्र आलोड़ित हुआ, तब जवाब मिला, तुम्हारा प्रण क्या है? मेरा जीवन सर्वस्व। जीवन तो तुच्छ है, सभी त्याग सकते हैं। और क्या है, और क्या दूं? जवाब मिला, भक्ति। बंगाल सन 1176 का ग्रीष्मकाल था। ऐसे समय एक पच्चिन्ह नामक गांव में भयावह गर्मी पड़ रही थी। गांव में काफ़ी तादाद में घर थे, मगर कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। बाजार में कतार दर कतार दुकानें थीं। दुकानों में ढेर सारा सामान था। गांव-गांव में मिट्टी के सैकड़ों घर थे, बीच बीच में ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ। मगर आज चारों तरफ खामोशी थी। बाजारों में दुकानें बंद थीं। दुकानदार कहाँ भाग गए थे, इसका कोई ठिकाना नहीं था। आज हाट लगने का दिन था, मगर हाट में एक भी दुकान नहीं लगी थी। जुलाहे अपने करघे बंद करके घर के एक कोने में पड़े रो रहे थे। व्यवसायी अपना व्यवसाय भूलकर बच्चों को गोद में लिए रो रहे थे। दाताओं ने दान बंद कर दिया था, शिक्षकों ने पाठशालाएं बंद कर दी थीं। शिशु भी सहमे सहमे से रो रहे थे। राजपथ पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। सरोवरों में कोई नहाने वाला भी नहीं था। घरों में लोगों का नामो निशान नहीं था। पशु पक्षी भी नज़र नहीं आ रहे थे। चरने वाली गायें भी कहीं नज़र नहीं आ रही थीं। केवल शमशान में सियारों और कुत्तों की आवाज़ें गूंज रही थी। सामने एक वृहद अट्टालिका थी, उसके ऊंचे ऊंचे गुंबद दूर से ही नज़र आते थे। छोटे छोटे घरों के जंगल में ये अट्टालिका शैल शिखर की तरह शोभा पा रही थी। मगर ऐसी शोभा का क्या, अट्टालिका के दरवाजे बंद थे। घर में लोगों का जमावड़ा नहीं, कहीं कोई आवाज़ नहीं, अंदर हवा तक प्रवेश नहीं कर पा रही थी। अट्टालिका के अंदर कमरों में दोपहर के बावजूद अंधकार था। उस अंधकार में मुरझाए फूलों सा एक दंपति बैठा सोच रहा था। उनके आगे अकाल का रौरव फैला हुआ था। सन 1174 में फसल अच्छी नहीं हुई, सो 1175 के साल में हालात बिगड़ गए। लोगों को परेशानी हुई, इसके बावजूद शासकों ने एक एक कौड़ी तक कर वसूल किया। इस कड़ाई का नतीजा ये हुआ कि गरीबों के घर एक वक्त चूल्हा जला। सन 1175 में वर्षा ऋतु में अच्छी बारिश हुई। लोगों ने सोचा शायद देवता सदै हुए हैं, सो खुश होकर राखाल ने मैदान में गाना गाया। कृषक पत्नी फिर चांदी की पाजेव के लिए पति से इजरार करने लगी।
अकस्मात अश्विन महीना देवता फिर विमुख हो गए। अश्विन और कार्तिक महीने में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। खेतों में धान सूखकर एकदम खड़ी हो गई। जिनके थोड़ा बहुत धान हुआ उसे राज कर्मचारियों ने अपने सिपाहियों के लिए खरीद कर रख लिया। लोगों को खाने को नहीं मिला। पहले एक शाम उपवास किया, फिर एक बेला आध पेट खाने लगे। इसके बाद दो शामों का उपवास शुरू किया। चैत्र में जो थोड़ी फसल हुई उससे किसी के मुख में पूरा ग्रास भी नहीं पहुंचा। मगर कर वसूल करने वाला कर्ता धरता मोहम्मद रजा खां कुछ और सोचता था। उसका विचार था, यही मौका है कुछ कर दिखाने का। उसने एकदम से 10% कर सब पर ठोक दिया। सारे बंगाल में रोने चीखने का कोलाहल मच गया। लोगों ने पहले भीख मांगना शुरू किया, पर भीख उन्हें कब तक मिलती? उपवास करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। इससे ये हुआ कि वे रोगाक्रांत होने लगे। फिर लोगों ने गायें बेची, बैल हल बेचे, धन का बीज तक खा लिया, घर द्वार बेच दिया, खेती बाड़ी बेच दी। इसके बाद कुछ न बचा तो लड़कियां बेचना शुरू कर दिया, फिर लड़के, फिर पत्नियां। अब लड़कियां, लड़के और पत्नियां खरीदने वाला भी कोई न बचा। खरीदार रहे ही नहीं, सभी बेचने वाले थे। खाने की चीज़ों का अभाव ऐसा दारुण था कि लोग पेड़ के पत्ते खाने लगे, घास खाने लगे, टहनियाँ और डालियाँ खाने लगे। जंगली और छोटे लोग कुत्ते, बिल्ली और चूहे खाने लगे। कई लोग भाग गए, जो भागे वो भी विदेश में जाकर भूखों मर गए। जो नहीं भागे वो अखाद्य खाकर या अनाहार रहकर रोग में पड़कर मारे गए। रोग को भी मौका मिल गया। जहाँ देखो वहीं बुखार, हैजा, क्षय और चेचक। इनमें भी चेचक का प्रकोप सबसे ही ज़्यादा फैला हुआ था। घर घर में लोग चेचक से मर रहे थे। कौन किसे जल दे या कौन किसे छुए, न कोई किसी की दवा दारू कर पाता, न कोई किसी की देखभाल कर पाता, और मरने पर ना कोई किसी का शव उठा पाता। अच्छे अच्छे मकान भी बदबू से ओतप्रोत हो गए थे। जिस घर में एक बार चेचक प्रवेश कर जाता उस घर के लोग रोगी को अपने हाल पर छोड़कर भाग निकलते। महेंद्र सिंह पच्चिन गांव के बहुत बड़े धनवान थे, मगर आज धनी और निर्धन में कोई अंतर नहीं रहा। ऐसी दुखद स्थिति में व्याधिग्रस्त होकर उनके समस्त आत्मीय स्वजन, दास दासी आदि बारी बारी से चले गए थे। कोई मर गया था तो कोई भाग गया था। उस भरे पूरे परिवार में अब बचे रहे थे वो स्वयं, उनकी पत्नी और एक शिशु कन्या। उन्हीं की कथा सुना रहा हूँ। उनकी पत्नी कल्याणी चिंता त्याग कर गौशाला गई और खुद ही गाय दुहने लगी। फिर दूध गर्म करके बच्ची को पिलाया। इसके बाद गाय को पानी सानी देने गई। वापस लौट कर आई तो महेंद्र ने पूछा, इस तरह कितने दिन चलेगा? कल्याणी बोली, ज़्यादा दिन तो नहीं, जितने दिन चल सका, जितने दिन मैं चला सकी चलाऊंगी। इसके बाद तुम बच्ची को लेकर शहर चले जाना। अगर शहर जाना ही है तो तुम्हें इतना दुख क्यों सहने दूँ, चलो ना, इसी समय चलते हैं। दोनों में इस विषय पर खूब तर्क वितर्क होने लगा। कल्याणी ने पूछा, शहर जाकर क्या कोई विशेष उपकार होगा? महेंद्र ने जवाब दिया, शहर भी शायद ऐसा ही जन शून्य और प्राण रक्षा से उपाय शून्य हो। मुर्शिदाबाद, कासिम बाज़ार या कलकत्ता जाकर शायद हमारे प्राण बच जाएं। इस जगह को छोड़कर जाना तो बिल्कुल उचित है। महेंद्र बोला, ये घर एक अरसे से पीढ़ी दर पीढ़ी संचित धन से परिपूर्ण है। हम चले गए तो ये सब चोर लूट कर ले जाएंगे। अगर लूटने आ गए तो हम दो जने क्या चोरों से धन को बचा पाएंगे? प्राण ही नहीं बचे तो धन का उपयोग कौन करेगा? चलो इसी समय सब कुछ बांध बूंद कर यहाँ से निकल चलें। अगर प्राण बच गए तो वापस आकर इनका उपयोग करेंगे। महेंद्र ने पूछा, तुम क्या पैदल चल सकोगी? पालकी ढोने वाले तो सब मर गए। बैल हैं तो गाड़ीवान नहीं, गाड़ीवान हैं तो बैल नहीं। मैं पैदल चल सकती हूँ, तुम चिंता मत करना। कल्याणी ने मन ही मन तय कर लिया था, भले ही मैं रास्ते में मारी जाऊं, फिर भी ये दोनों तो बचे रहेंगे। अगले दिन सुबह दोनों ने कुछ रुपए पैसे गांठ में बांध लिए, घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया, गाय बैल खुले छोड़ दिए और फिर बच्ची को गोद में उठाकर राजधानी की ओर सफ़र शुरू कर दिया। सफ़र के दौरान महेंद्र बोले, रास्ता बेहद दुर्गम है, कदम कदम पर लुटेरे घूम रहे हैं, खाली हाथ निकलना उचित नहीं। ये कहकर महेंद्र घर में वापस गया और बंदूक, गोली, बारूद उठा लाया। ये देखकर कल्याणी बोली, अगर अस्त्र की बात याद आई है तो तुम जरा सुकुमारी को पकड़ो, मैं भी हथियार लेकर आती हूँ। ये कहकर कल्याणी ने बच्ची महेंद्र की गोद में डाल दी और घर में घुस गई। महेंद्र ने पूछा, तुम भला कौन सा हथियार लेकर चलोगी?
कल्याणी ने घर में जाकर जहर की एक छोटी सी शीशी उठाई और कपड़े में अच्छी तरह छिपा ली। इन दुख के दिनों में किस्मत में न जाने कब क्या बदा हो, यही सोचकर कल्याणी ने पहले ही जहर का इंतज़ाम कर रखा था। जेठ का महीना था, तेज़ धूप पड़ रही थी, धरती आग से जल रही थी, हवा में आग मचल रही थी, आकाश गर्म तवे की तरह झुलस रहा था, रास्ते की धूल में आग के शोले दहक रहे थे। कल्याणी पसीने से तरबतर हो गई, कभी बबूल के पेड़ की छाया में बैठ जाती तो कभी खजूर के पेड़ की, प्यास लगती तो सूखे तालाब का कीचड़ सना पानी पी लेती। इस तरह बेहद तकलीफ से वो रास्ता तय कर रही थी। बच्ची महेंद्र की गोद में थी, बीच बीच में महेंद्र बच्ची को हवा करते जाते थे। चलते चलते थक गए तो दोनों हरे हरे घने पत्तों से भरे संगठित फूलों से युक्त लता वेष्टित पेड़ की छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। महेंद्र कल्याणी की सहनशीलता देखकर आश्चर्यचकित थे। पास ही एक सरोवर से वस्त्र भिगोकर महेंद्र ने अपना और कल्याणी का मुंह, हाथ और सिर सिंचित किया। कल्याणी को थोड़ा चैन मिला, मगर दोनों भूख से बेहद व्याकुल हो गए थे। ये भी दोनों सहन करने में सक्षम थे, मगर बच्ची की भूख प्यास सहन करना मुश्किल था, सो वो रास्ते पर फिर चल पड़े। उस अग्निपथ को पार करते हुए वो दोनों शाम से पहले एक बस्ती में पहुंचे। महेंद्र को मन ही मन आशा थी कि बस्ती में पहुंचकर पत्नी और बच्ची के मुंह में शीतल जल दे सकेंगे, प्राण रक्षा के लिए दो कौर भी नसीब होंगे, लेकिन कहाँ, बस्ती में तो एक भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। बड़े बड़े घरों में सन्नाटा छाया हुआ था, सारे लोग वहाँ से भाग चुके थे। महेंद्र ने इधर उधर देखने के बाद बच्ची को एक मकान में ले जाकर लिटा दिया। बाहर आकर वो ऊंचे स्वर में बुलाने पुकारने लगे, मगर उन्हें कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला। वे कल्याणी से बोले, सुनो, तुम ज़रा हिम्मत बांधकर यहाँ अकेली बैठो, अगर यहाँ गाय हुई तो श्री कृष्ण की दया से मैं दूध ला रहा हूँ। ये कहकर उन्होंने मिट्टी की एक कलसी उठाई और घर से बाहर निकले। वहाँ कई कलसियाँ पड़ी थीं। महेंद्र चले गए, कल्याणी अकेली बच्ची के साथ उस जनशून्य स्थान में लगभग अंधकारमय घर में बैठी चारों ओर देख रही थी। मन ही मन उसे बेहद डर लग रहा था, कोई भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था, किसी मानव का स्वर तक सुनाई नहीं पड़ रहा था, सिर्फ सियार व कुत्तों का स्वर गूंज रहा था। सोच रही थी, उन्हें क्यों जाने दिया, अच्छा तो यही था कि कुछ देर तक भूख और प्यास बर्दाश्त कर लेती। जी में आया चारों तरफ के दरवाजे बंद करके बैठे, मगर एक भी दरवाजे पर कपाट अर्थात अर्गला नहीं थी। इस प्रकार चारों ओर निहारते निहारते सामने के दरवाजे पर उसे एक छाया सी नज़र आई। वो छाया मनुष्याकृति सी प्रतीत हुई, पर ठीक मनुष्य सी भी नहीं लगी। अतिशय शुष्क क्षीण, अतिशय कृष्णवर्ण, नगन विकटाकार मनुष्य जैसा न जाने कब आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया था। कुछ क्षणों के बाद उसी छाया ने जैसे अपना एक हाथ उठाया, अस्थि चरम से आवंटित अति दीर्घ शुष्क हाथ की दीर्घ शुष्क उंगली से उसने जैसे किसी को इशारा किया। कल्याणी के प्राण सूख गए। तभी उसी की तरफ एक और छाया, शुष्क कृष्णवर्ण दीर्घाकार नग्न, पहली छाया के बगल में आकर खड़ी हुई। इसके बाद एक और छाया आई, इसके बाद एक और छाया, फिर कई छायाएं आ गईं। धीरे धीरे चुपचाप वो सब कमरे में एकत्र हो गईं। वो लगभग अंधकारमय घर रात के शमशान की तरह भयावह हो उठा। तभी वे सारी प्रेतवत मूर्तियां कल्याणी और उसकी बच्ची को घेर कर खड़ी हो गईं। कल्याणी लगभग मूर्छित सी हो गई। अब कृष्णवर्ण क्षीण छायाओं ने कल्याणी वो उसकी बच्ची को पकड़कर उठा लिया। फिर वे घर से बाहर निकली और मैदान को पार करते हुए जंगल में प्रवेश कर गईं। कुछ क्षणों के बाद महेंद्र कलसी में दूध लिए वहां आ पहुंचे। देखा, कोई कहीं नहीं। उन्होंने इधर उधर खोजबीन की, बच्ची का नाम लेकर पुकारा, आखिर में पत्नी का कई बार नाम पुकारा, मगर कोई उत्तर नहीं मिला। बच्ची व पत्नी का आसपास कोई चिन्ह नहीं था। जिस वन में डाकू कल्याणी को लेके आए थे वो वन बेहद मनोरम था। वहाँ रोशनी नहीं थी और ना ही ऐसी आँखें थीं जो वहाँ की शोभा देख पाती। दरिद्र के हृदय में छिपे सौंदर्य की भांति उस वन का सौंदर्य भी अगोचर था। देश में भले ही आहार हो या न हो, वन में फूलों का अभाव नहीं था। फूलों की गंध ऐसी ज़बरदस्त कि रोशनी का अभाव भी न खले। बीच में साफ सुकोमल चंपा से घिरी जमीन के टुकड़े पर डाकुओं ने कल्याणी और उसकी बच्ची को उतार दिया। वे सब उन दोनों को घेर कर बैठ गए। इसके बाद वे लोग तर्क वितर्क करने लगे कि इन दोनों का क्या किया जाए।
जो अलंकार कल्याणी ने पहन रखे थे वे सब पहले ही इन लोगों ने हथिया लिए थे। डाकुओं का एक दल आभूषणों के बंटवारे में व्यस्त था। जब आभूषण बंट गए तो एक डाकू बोला, हम सोना चांदी लेकर क्या करेंगे, कोई एक गहना लेकर मुझे एक मुट्ठी चावल दे दे, बस भूख के मारे जान निकल रही है, आज सिर्फ पेड़ के पत्ते ही खाने को मिले हैं। एक ने ये कहा तो सभी इसी तरह की बातें करने लगे, चावल दो चावल दो, भूख के मारे जान जा रही है, सोना चांदी हमें नहीं चाहिए। दल का सरदार उन्हें शांत करता हुआ कुछ बोला, मगर किसी ने एक नहीं सुनी। आपस में ही मारपीट की नौबत आ पहुंची। जिन लोगों ने गहने हथिया लिए थे वे सब गुस्से से गहने फेंक फेंक कर दल के सरदार को मारने लगे। दल के सरदार ने दो एक को पकड़कर पीटा, पर इन सब से मिलकर दल के सरदार पर हमला बोलकर उसे मारा पीटा। दल का सरदार बिना खाए पिए शीर्ण और अधमरा हो गया था। दो एक चोटे लगते ही वो ज़मीन पर आ गिरा और प्राण त्याग कर दिए। इसके बाद भूखे नाराज उत्तेजित ज्ञान शून्य डाकुओं के दल में से एक बोला, सियार और कुत्ते का मांस तो खा लिया, भूख के मारे जान जा रही है, आओ भाइयों आज इसी साले को खाते हैं। इस पर सबने जय माँ काली का नारा लगाकर घोष किया, बम काली आज तो नरमांस खाएंगे। ये कहकर कमज़ोर शरीर के कृष्णकाय प्रेतवत समस्त डाकू अंधकार में खिलखिलाकर अट्ठहास करने लगे, ताली बजा बजा कर नाचने लगे। दल के सरदार को जलाने के वास्ते एक डाकू अग्नि जलाने का प्रवृत्त हुआ। उसने सूखी लताएं, लकड़ियां, घास फूस एकत्र करके चकमक से आग प्रज्वलित की तो एकत्र ढेर जल उठा। धीरे धीरे आग तेज़ी पकड़ने लगी और आसपास के आम जामुन खजूर पनस और बबूल आदि के पेड़ भी धीरे धीरे आग पकड़ने लगे। कहीं आग में पत्ते जलने लगे, कहीं घास, कहीं अंधकार और गाढ़ा होने लगा। जब आग जल पड़ी तो एक ने मृतक के पाँव पकड़कर उसे खींचा और आग में झोंक दिया। एक बोला, ठहरो ठहरो, अगर आज मांस खाने का इरादा किया है तो इस बूढ़े का सूखा मांस क्यों खाएं? आज जो लूट कर लाए हैं वही क्यों न खाएं? आओ इस कोमल बच्ची को पकाकर खाएं। इस पर सभी लोलुप होकर जहां कल्याणी बच्ची को लेकर लेटी हुई थी उसी तरफ देखने लगे। सबने देखा, अरे वो जगह तो शून्य थी, बच्ची भी नहीं थी, उसकी माँ भी नहीं थी। डाकुओं में जब वाद विवाद चल रहा था उस समय सुयोग पाकर कल्याणी बच्ची को गोद में लेकर वह उसके मुंह को हथेली से भींचकर जंगल में कहीं भाग गई थी। शिकार को हाथ से निकलते देखकर मारो मारो का शोर मचाकर वे सारे डाकू चारों ओर दौड़ पड़े। ऐसी दारुण स्थिति में पड़कर इंसान भी हिंसक पशु ही हो जाता है। वन बेहद अंधकारमय था, कल्याणी को उसमें आगे बढ़ने का मार्ग नहीं मिल रहा था। वृक्षों लताओं और झाड़ झंझाड़ों के घटाघोप में एक तो यूं ही मार्ग अवरुद्ध था, उस पर घना अंधेरा। वृक्षों लताओं और झाड़ झंझाड़ों को भेदकर कल्याणी वन में प्रवेश करने लगी। बच्ची के शरीर में कांटे चुभ रहे थे, बीच बीच में रो उठती थी। रोने की आवाज़ सुनकर डाकू और भी चीखने चिल्लाने लगे थे। कल्याणी की देह भी कांटे चुभने से लहूलुहान हो गई थी। इस प्रकार वो वन में काफ़ी दूर तक निकल आई। थोड़ी देर बाद चंद्रोदय हुआ। अब तक कल्याणी को कुछ भरोसा था कि डाकू अंधकार में उसे देख नहीं पाएंगे, थोड़ी देर तक खोज खाज कर वापस चले जाएंगे, मगर चंद्रोदय होते ही उसका ये भरोसा जाता रहा। चांद ने आकाश में उठकर वन के ऊपर आलोक बिखेर दिया। भीतर वन का अंधकार आलोक से भीग गया, अंधकार उज्जवल हो गया। जहां तहां दरारों से छनकर आलोक वन में प्रवेश कर ताक झांक करने लगा। चांद जितना ऊपर उठने लगा उतना ही आलोक वन में प्रवेश करने लगा और सारा अंधकार वन में छिपने लगा। कल्याणी बच्ची को लेकर वन के अधिक अंदर चली गई छिपने के लिए। उधर डाकुओं का चीखना चिल्लाना बढ़ गया था, वे चारों ओर से दौड़ते हुए चले आ रहे थे। बच्ची डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। कल्याणी हतोत्साहित हो गई और भागने की कोशिश छोड़ दी। वो एक विशाल पेड़ के नीचे कंटक शून्य घास पर बैठ गई। उसने बच्ची को गोद में बिठा लिया और पुकार पुकार कर कहने लगी, कहाँ हो तुम, जिसकी रोज़ मैं पूजा करती हूँ, जिसका रोज़ मैं नमन करती हूँ, जिसके भरोसे मैं इस वन में प्रवेश कर सकी, हे मधुसूदन कहाँ हो तुम? उसी समय भय भक्ति और प्रगाढ़ता और शुद्धा तृष्णा के अवसाद से कल्याणी धीरे धीरे चेतना शून्य हो गई थी, मगर आंतरिक चेतना में उसे लगा जैसे अंतरिक्ष में स्वर्गीय स्वर में गीत गाया जा रहा हो। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे, हरे मुरारे मधुकैट भारे।
कल्याणी ने बचपन में पुराणों में सुना था कि देवर्षि गगन पथ पर वीणा लेकर हरि नाम का उच्चारण करते हुए भ्रमण करते रहते हैं। इस समय भी उसके मन में यही दृश्य मूर्तिमान होने लगा। मन ही मन वो देख रही थी शुभ्र शरीर, शुभ्र केश, शुभ्र दाढ़ी, शुभ्र वसन, महाशरीर महामुनि हाथ में वीणा लिए इंद्रलोक से प्रदीप्त नीले आकाश के पथ पर गा रहे हैं, हरे मुरारे मधुकैट भारे। क्रमशः गीत के बोल निकट आने लगे और अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगे। हरे मुरारे मधुकैट भारे, क्रमशः स्वर और अधिक निकट आ गया और भी ज़्यादा अधिक हो गया स्पष्ट, हरे मुरारे मधुकैट भारे। अंत में कल्याणी के सिर के ऊपर वनस्थली को गुंजाते हुए गीत के बोल फूटे, हरे मुरारे मधुकैट भारे। कल्याणी ने अपनी आँखें खोली। उस अर्धस्फुट वनांधकार मिश्रित चंद्र रश्मियों में उसने देखा सामने वही शुभ्र शरीर, शुभ्र केश, शुभ्र दाढ़ी, शुभ्र वसन वाली ऋषि मूर्ति खड़ी है। अन्य मनस्क सी खोई खोई कल्याणी को लगा इन्हें प्रणाम करना चाहिए, मगर प्रणाम नहीं कर सकी। सिर नवाते ही वो एकदम चेतना शून्य होकर जमीन पर गिर पड़ी। उस वन में एक बड़े भूमिखंड पर टूटे फूटे शिलाखंडों से घिरा हुआ एक विशाल मठ था। पुरातत्ववेत्ता इस स्थान को देखकर कह सकते हैं ये अतीत में बौद्धों का विहार था, फिर बाद में हिंदुओं का मठ हो गया। अट्टालिका दो मंजिला थी, बीच में कई देव मंदिर, वो सामने एक नट मंदिर था। सभी प्रायः दीवार से घिरे हुए थे और बाहर से वृक्षों की कतारों से इस प्रकार आच्छन्न कि दिन में पास से भी किसी को पता नहीं लग सका था कि यहाँ अट्टालिका बनी हुई है। सारी अट्टालिका कई स्थानों से टूटी फूटी थी, मगर दिन में देखा जा सकता था कि सारे स्थान में फिलहाल मरम्मत चल रही है। देखकर ये भी जाना जा सकता है कि इस गहन दुर्भेद्य वन के अंदर इंसानों का वास है। इस मठ की एक कोठरी में एक बड़ा सा चूल्हा जल रहा था, उसी में कल्याणी थी। होश में आते ही कल्याणी की आंखों में आश्चर्य उभर आया और उन्हें एकटक देखने लगी। अब भी पूरी तरह उसकी स्मृति लौटी नहीं थी। एकाएक महापुरुष बोले, माँ ये देवता का स्थान है, कोई शंका मत करना, जरा दूध है उसे पी लो, उसके बाद तुमसे बात करूँगा। पहले तो कल्याणी को कुछ समझ में नहीं आया, फिर धीरे धीरे मन कुछ स्थिर हुआ तो गले में आंचल डालकर उस महात्मा को प्रणाम किया। उन्होंने शुभाशीर्वाद दिया और एक कमरे में मिट्टी का पात्र निकालकर उसमें दूध गर्म किया। दूध गर्म हो गया तो उसे कल्याणी को देते हुए बोले, माँ बच्ची को कुछ पिलाओ, तुम भी कुछ पियो, इसके बाद मैं बात करूँगा। कल्याणी दिल मजबूत करके बच्ची को दूध पिलाने लगी। तब वो महापुरुष, मैं जब तक न आऊँ कोई चिंता मत करना कहकर मंदिर के बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद बाहर से लौटकर उन्होंने देखा कल्याणी ने बच्ची को तो दूध पिला दिया था मगर खुद नहीं पिया था। दूध जैसा का तैसा पड़ा था, बस ज़रा सा ही खर्च हुआ था। महापुरुष बोले, माँ तुमने दूध क्यों नहीं पिया? मैं फिर बाहर जाकर आ रहा हूँ, जब तक तुम दूध नहीं पियोगी मैं वापस नहीं आऊँगा। वो ऋषि तुल्य पुरुष ये कहकर बाहर जाने को हुआ तो कल्याणी ने उन्हें हाथ जोड़कर फिर प्रणाम किया। वनवासी ने कहा, तुम कुछ कहना चाहती हो? कल्याणी बोली, मुझे दूध पीने का आदेश मत दीजिए, कोई बाधा है, मैं नहीं पीऊँगी। इस पर वनवासी अत्यंत मृदु स्वर में बोला, कैसी बाधा है मुझे बताओ, मैं वनवासी ब्रह्मचारी हूँ, तुम मेरी कन्या हो, भला ऐसी क्या बात है तो तुम मुझे बता नहीं सकती? मैं जब वन से तुम्हें अचेतावस्था में ले आया तभी समझ गया था कि तुम भूख प्यास से व्याकुल हो, अगर तुम खाओगी पियोगी नहीं तो बचोगी कैसे? कल्याणी नम आँखों से बोली, आप देवता हैं, आपको ज़रूर बताऊँगी। मेरे पति अब तक निराहार हैं, जब तक उनकी खबर न मिले या ये पता न चले कि उन्होंने कुछ खा लिया तब तक मैं कैसे खा सकती हूँ? ब्रह्मचारी ने पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? कल्याणी बोली, ये मैं नहीं जानती, वो जब दूध लाने बाहर गए थे डाकू मेरा अपहरण करके जंगल में ले आए। इस पर ब्रह्मचारी ने एक एक कर कल्याणी से कुछ सवाल किए और उसके पति का पूरा वृतांत प्राप्त कर लिया। कल्याणी ने पति का नाम नहीं बताया, बता भी नहीं सकती थी, मगर उसकी बाकी बातों से महापुरुष को उसके पति का परिचय मिल गया। उन्होंने पूछा, तुम महेंद्र की पत्नी हो? कल्याणी ने सिर झुका लिया और जिस आग पर दूध गर्म हुआ था उसमें लकड़ी डालने लगी। ब्रह्मचारी बोले, तुम मेरे वचन का पालन करो, दूध पियो, मैं तुम्हारे पति की खबर लाता हूँ, तुम दूध नहीं पियोगी तो मैं जाऊँगा नहीं। कल्याणी बोली,
क्या थोड़ा पानी होगा? ब्रह्मचारी ने कलसी की ओर इशारा कर दिया। कल्याणी ने अंजलि पसार दी। ब्रह्मचारी ने अंजलि पर पानी उड़ेल दिया। कल्याणी ने वो जलांजलि ब्रह्मचारी के चरणों के पास ले जाकर कहा, आप इसमें चरण रच दीजिए। ब्रह्मचारी ने पैरों के अंगूठे से जल स्पर्श किया तो कल्याणी ने वही पानी पी लिया। बोली, मैंने अमृत पी लिया, कुछ और पीने को मत कहिएगा। पति की खबर पाए बिना मैं कुछ नहीं लूँगी। ब्रह्मचारी बोले, तुम निर्भयता से इस देव मंदिर में रहो, मैं तुम्हारे पति की खोज करने जा रहा हूँ। काफ़ी रात बीत चुकी थी। चांद सिर के ऊपर था, पूर्ण चंद्र नहीं था, रोशनी ज़्यादा प्रखर नहीं थी। एक अत्यंत विस्तृत प्रांत पर अंधकार से छाया विशिष्ट व अस्पष्ट रोशनी पड़ रही थी। उस रोशनी में मैदान के आर पार देख पाना मुश्किल था। मैदान में क्या है, कौन है, ये नज़र नहीं आ रहा था। लग रहा था जैसे मैदान अनंत, जनशून्य और भय की सराय हो। उस मैदान से होकर मुर्शिदाबाद और कलकत्ता का रास्ता गुजरता था। रास्ते के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी थी। पहाड़ी के ऊपर आम्र आदि के कई पेड़ थे। पेड़ों के ऊपरी हिस्से चांद की रोशनी से उज्ज्वल होकर सरसराते हुए कांप रहे थे। उनकी छाया काले पत्थरों पर काली होकर थरथराती हुई कांप रही थी। ब्रह्मचारी उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर शिखर पर स्तब्ध से कुछ सुनने लगे। क्या सुनने लगे ये बताना मुश्किल है। उस अंतहीन प्रांतर में कोई आवाज़ नहीं हो रही थी, सिर्फ पेड़ों का मरमर सा स्वर गूंज रहा था। एक जगह पहाड़ के मूल के निकट विशाल जंगल था। ऊपर पहाड़, नीचे राजपथ, बीच में वही जंगल। वहाँ क्या आवाज़ हुई कहा नहीं जा सकता, लेकिन ब्रह्मचारी उसी तरफ चल पड़े। वे निबिड़ जंगल में प्रविष्ट हुए। देखा, उस जंगल में वृक्षों के झुरमुट के घने अंधकार के नीचे कई आदमी बैठे थे। सारे आदमी लंबे चौड़े, काले और हथियार बंद थे। पेड़ों की दरारों से छनकर आ रही चांदनी में उनके चमचमाते हथियार चमक रहे थे। वे लगभग 200 थे, मगर कोई बात नहीं कर रहा था। ब्रह्मचारी धीरे धीरे चलकर उनके बीच गया और कोई इशारा किया। कोई उठा नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, ना ही कोई आवाज़ हुई। वे उनके सामने जाकर एक एक कर सबको देखने लगे। अंधेरे में वे सबके चेहरे का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जैसे किसी को खोज रहे थे, पर वो मिल नहीं रहा था। खोजते खोजते एक को उन्होंने पहचाना और अंग स्पर्श करके इशारा किया। इशारा पाते ही वो खड़ा हुआ। ब्रह्मचारी उसे साथ लेकर दूर जा खड़े हुए। जो साथ आया था वो युवक था। घने काले बालों से उसका चंद्र बदन आवृत था। वो बलिष्ठ और सुंदर था। उसने वस्त्र पहन रखे थे, सर्वांग पर चंदन का लेप था। ब्रह्मचारी उससे बोले, भवानंद, महेंद्र की कोई खबर है? भवानंद ने जवाब दिया, महेंद्र सिंह आज सुबह पत्नी और बेटी को लेकर घर छोड़कर जा रहे थे, रास्ते में। ब्रह्मचारी बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोले, रास्ते में जो कुछ हुआ था वो मैं जानता हूँ। ये सब किसने किया? शायद गांव के किसानों ने। इधर सारे गांव के किसान भूख के मारे डाकू हो गए हैं। आजकल कौन डाकू नहीं। आज हमने भी लूट कर खाया है। कोतवाल साहब के 2 मन चावल जा रहे थे, उसे ही हथिया कर वैष्णवों को भोग लगा दिया। ब्रह्मचारी ने मुस्कुरा कर कहा, चोरों के हाथ से मैंने उसकी पत्नी और बेटी को छुड़ाया है। उन्हें इस समय मठ में बिठा कर आया हूँ। अब तुम पर यह भार है कि महेंद्र सिंह को खोजो और उसकी बेटी और पत्नी को उसके जिम्मे कर दो। यहाँ का काम जीवनानंद संभाल लेगा। भवानंद ने मान लिया। ब्रह्मचारी वहाँ से चले गए। बस्ती में काफ़ी देर बैठे महेंद्र सिंह को लगा कि अब कोई फ़ायदा नहीं, सो वो उठ खड़े हुए। नगर जाकर राज कर्मचारियों की मदद से पत्नी और बच्ची की खोज कराएंगे, ये सोचकर वो चल पड़े। कुछ दूर गए तो रास्ते में देखा अनेक बैलगाड़ियों को घेरे कई सिपाही चले जा रहे थे। बंगाल सन 1176 में बंगाल का इलाका अंग्रेज़ों के अधीन नहीं हुआ था। अंग्रेज़ तब बंगाल के दीवाने थे। वे खजाने का रुपया तो अदा कर लेते थे, लेकिन अब तक यहाँ के निवासियों के प्राण और संपत्ति आदि की रक्षा का भार ग्रहण नहीं किया था। उस समय रुपया लेने का भार तो अंग्रेज़ों के ऊपर था, और लोगों की संपत्ति और प्राण की रक्षा का भार था पापी, निराधम, विश्वासघातक और मानव कुल कलंक मीर जाफर के ऊपर। मीर जाफर अपनी ही रक्षा करने में असमर्थ था, फिर भला वो दूसरों की रक्षा कैसे करता? मीर जाफर अफीम की गोलियाँ खाता था और सोता रहता था। अंग्रेज़ रुपया वसूलते और खाना पूर्ति करते। लोग रो रहे थे और कंगाल हुए जा रहे थे।
सो बंगाल का कर अंग्रेज़ों को मिलता जाता था और शासन का भार नवाब के ज़िम्मे था। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ अपना प्रप्य खुद वसूल करते थे, वहाँ वहाँ उन्होंने एक एक कलेक्टर नियुक्त कर रखा था। सारा खजाना वसूल करके कलकत्ता भेज दिया जाता था। लोग भले ही निराहार में मरे, खजाने की वसूली बंद नहीं होती थी, फिर भी अधिक वसूली नहीं होती थी। कारण ये कि माता वसुमती अगर धन पैदा ही न करे तो उसे गढ़ा नहीं जा सकता। जो भी हो, जो थोड़ा बहुत वसूल हुआ वही गाड़ियों में लाद कर सिपाहियों के पहरे में कलकत्ता कंपनी के धनाधार में भेजा जा रहा था। आजकल डाकुओं का डर बहुत बढ़ गया था, इसलिए 50 सशस्त्र सिपाही गाड़ी के आगे पीछे कतार में संगीने उठाए चल रहे थे। उनका नायक एक गोरा था। गोरा सबके पीछे एक घोड़े पर सवार था। धूप के कारण सिपाही दिन में सफ़र नहीं करते थे, रात में ही चलते थे। चलते चलते वही खजाने की गाड़ी और सेना महेंद्र सिंह के रास्ते के सामने आ पहुंची। सिपाहियों और बैलगाड़ियों के कारण रास्ता अवरुद्ध हो गया तो महेंद्र सड़क के किनारे खड़े हो गए। सिपाहियों ने फिर भी उन्हें बख्शा नहीं, वे सब उनके शरीर को धकियाते आगे बढ़ने लगे। समय विवाद का नहीं था, सो वो सड़क के एक किनारे के जंगल के पास जा खड़े हुए। तभी एक सिपाही इसे देखकर बोला, ये तो एक डाकू लगता है। शायद महेंद्र के हाथ में बंदूक देखकर उसका ये विचार दृढ़ हुआ और उसने दौड़कर महेंद्र का गला पकड़ लिया। साला चोर, कहकर सहसा एक घूसा जमा दिया और उसकी बंदूक छीन ली। खाली हाथ महेंद्र ने भी पलटकर एक घूसा सिपाही पर जमा दिया। कहना ज़रूरी नहीं कि महेंद्र को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आया था। घूसा खाकर सिपाही महाशय अचेत होकर सड़क पर पड़ गए। ये देखकर 3-4 सिपाही आए और महेंद्र को पकड़कर खींचते हुए सेनापति साहब के पास ले गए। साहब को बताया कि इस आदमी ने एक सिपाही का खून किया है। साहब पाइप पी रहे थे, शराब के नशे में मस्ती में झूम रहे थे। बोले, साले को पकड़कर शादी करो। सिपाही समझ नहीं सके कि बंदूकधारी डाकू के साथ वो किस तरह शादी करें। मगर नशा टूटेगा तो साहब की अकल ठिकाने आएगी और शादी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये सोचकर 3-4 सिपाहियों ने रस्सी से महेंद्र के हाथ पैर बांधकर उसे बैलगाड़ी में बिठा लिया। महेंद्र ने देखा, इतने लोगों के साथ जोर आजमाना व्यर्थ है। फिर जोर आजमाकर मुक्ति लाभ से क्या होगा। पत्नी बच्ची के शोक से महेंद्र का जी वैसे ही विफल था, जीने की इच्छा ही नहीं रही थी। सिपाहियों ने महेंद्र को अच्छी तरह गाड़ी के चक्के के साथ बांध दिया। फिर सिपाही खजाना लेकर जैसे चले जा रहे थे, वैसे ही धीमी धीमी गति से आगे बढ़ने लगे। ब्रह्मचारी की आज्ञा पाकर भवानंद मन ही मन हरिनाम का जाप करते करते उस बस्ती की ओर चल पड़ा जहाँ महेंद्र ने पड़ाव डाला था। उसे आशा थी महेंद्र का वहीं पता चल सकेगा। उस समय अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए आधुनिक रास्ते नहीं थे। नगरों से कलकत्ता आना हो तो मुसलमान सम्राटों द्वारा निर्मित अपूर्व राहों से चलकर आना पड़ता था। महेंद्र भी पश्चिम से नगर जाते समय दक्षिण से उत्तर की तरफ चले थे। इसी कारण रास्ते में सिपाहियों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। भवानंद पहाड़ से होते हुए बस्ती की ओर चला तो वो भी दक्षिण से उत्तर की तरफ। जाते जाते उसकी मुलाकात भी धन के रक्षक सिपाहियों के साथ हो गई। उसने भी महेंद्र की तरह सिपाहियों को जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया। एक तो पहले ही सिपाहियों को सहज विश्वास था कि ये धन लूटने के वास्ते डाकू लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। उस पर वो एक डाकू को रास्ते में गिरफ्तार भी कर चुके थे। अब जो भवानंद को रात के समय सड़क किनारे देखा तो उनको विश्वास हुआ कि ये भी एक डाकू है। सो अगले पल ही सिपाहियों ने उसे भी पकड़ लिया। भवानंद धीरे से मुस्कुराकर बोला, क्यों भैया, क्या कष्ट है? सिपाही बोले, तुम साला डाकू है। भवानंद बोला, देख रहे हो गेरुआ वस्त्र पहने, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। डाकू क्या ऐसे होते हैं? कई साले सन्यासी ब्रह्मचारी डकैती करते हैं। ये कहकर सिपाही भवानंद को खींचते धकियाते ले आए। भवानंद की आंखें अंधकार में जल उठीं, किंतु खुद को संयत करके वो विनीत भाव से सिर्फ इतना ही बोला, प्रभु आज्ञा दो, क्या करना होगा? सिपाही भवानंद के विनय से संतुष्ट होकर बोले, लो साले, सिर पर ज़रा ये बोझ लेते चलो। ये कहकर सिपाही ने भवानंद के सिर पर टोकरी चढ़ा दी। इस पर एक सिपाही बोला, रहने दो, भाग जाएगा। जिस जगह एक और साले को बांध रखा है, इस साले को भी वहीं गाड़ी पर बांध कर रख दो। ये सुनकर भवानंद को कौतूहल हुआ कि देखूं आखिर इन लोगों ने किसे बांध रखा है। अचानक भवानंद ने सिर की टोकरी नीचे फेंक दी और जिस सिपाही ने उसके सिर पर टोकरी रखी थी उसके गाल पर एक चपत जमा दी। इस पर भवानंद को भी बांध कर सिपाहियों ने गाड़ी पर वहीं पटक दिया
जहाँ महेंद्र सिंह बैठे थे। भवानंद ने उन्हें पहचान लिया। इसके बाद सिपाही फिर अनमयस्क से शोर मचाते हुए चल पड़े। बैलगाड़ी के चक्रों की चरमर ध्वनि गूंज रही थी। अब भवानंद मध्यम स्वर में बोला, ताकि सिर्फ महेंद्र सिंह ही सुन सके। उसने कहा, महेंद्र सिंह, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम्हारी खोज में मैं यहाँ आया था। मैं कौन हूँ ये जानने की इस समय तुम्हें ज़रूरत नहीं। मैं जो कुछ कहूँ सावधान होकर वही करना। अपने हाथ के बंधनों को तुम गाड़ी के चक्के पर रखो। महेंद्र चकित हो गए, मगर बिना कुछ कहे भवानंद के कथनानुसार काम किया। अंधकार में गाड़ी के चक्के के निकट सरक कर उन्होंने अपने हाथ के बंधन की रस्सी को चक्के से स्पर्श करा दिया। चक्के के घर्षण से क्रमशः रस्सी कट गई। इसी तरह उन्होंने पाँव की रस्सी भी काट दी। बंधन से मुक्त होकर भवानी के परामर्श के अनुसार वो गाड़ी पर निश्चेष्ट पड़े रहे। भवानंद ने भी अपने बंधन को इसी प्रकार तोड़ डाला। दोनों खामोश थे। उस जंगल के पास जिस जगह ब्रह्मचारी खड़े होकर निरीक्षण कर रहे थे, उसी जगह से इनके जाने का रास्ता था। उस पहाड़ी के निकट पहुँचे तो सिपाहियों ने देखा कि पहाड़ी के नीचे एक टीले पर एक आदमी खड़ा है। चांदनी में जगमगाते नीले आकाश तले उसकी काली छाया देखकर हवलदार बोला, लो एक साला और डाकू, इसे भी पकड़ लाओ, बोझा ढोएगा। इस पर एक सिपाही उसे पकड़ने गया। वो उसे पकड़ने को हुआ तो देखा कि वो आदमी अपनी जगह पर अविचलित खड़ा हुआ है, ज़रा भी नहीं हिला। सिपाही ने उसे जा पकड़ा। वो आदमी कुछ बोला नहीं। सिपाही उसे पकड़कर हवलदार के पास ले गया, तब भी वो कुछ नहीं बोला। हवलदार बोला, इसके सिर पर बोझा डाल दो। सिपाहियों ने उसके सिर पर बोझा डाल दिया। उसने सिर झुकाकर बोझा उठा लिया। हवलदार पीछे मुड़कर गाड़ी के साथ चल पड़ा। इसी समय अचानक पिस्तौल की आवाज़ गूंजी। हवलदार का सिर चटक गया और धरती पर आ पड़ा। उसके प्राण हवा हो गए थे। इस साले ने हवलदार को मार डाला, ये कहकर एक सिपाही ने बोझा ढोने वाले का हाथ पकड़ लिया। बोझा ढोने वाले के हाथ में उस समय भी पिस्तौल थी। अचानक बोझा ढोने वाले ने सिर का बोझा फेंक दिया और पिस्तौल उलटकर उसका हत्था सिपाही के सिर पर दे मारा। सिपाही का सिर फट गया और वो निरस्त हो गया। तभी हरी 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 का शोर गुंजाते हुए 200 हथियारबंद लोगों ने आकर सिपाहियों को घेर लिया। सिपाही उस समय अपने साहब के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। साहब को भी लगा कि डाकुओं ने हमला बोल दिया है, सो उसने गाड़ी को चारों ओर से घेरने का हुक्म दिया। विपत्ति में अंग्रेज़ों का नशा हिरण हो जाता था। आज्ञा सुनकर सिपाही आगे बढ़े और गाड़ी को घेर लिया। सेनापति की दोबारा आज्ञा सुनते ही सिपाहियों ने बंदूकें उठा ली। उस समय अचानक साहब की कमर से उसकी तलवार किसी ने निकाल ली और निकालते ही अगले पल उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। साहब सिर विहीन होकर घोड़े से नीचे आ गिरा और फायर का आदेश भी न दे सका। सभी ने देखा कि एक आदमी गाड़ी पर खड़ा हाथ में तलवार लिए हरी हरी का उद्घोष कर रहा था और सिपाहियों को मारो, सिपाहियों को मारो, ये नारा लगा रहा था। वो भवानंद था। सहसा नायक का सिर विहीन शरीर देखकर वो रक्षा के वास्ते किसी का भी आदेश न पाकर सिपाही कुछ देर के लिए बेहद डर गए और निश्चेष्ट रहे। ऐसे अवसर पर तेजस्वी डाकुओं ने उनमें से कईयों को हताहत कर दिया। फिर उन लोगों ने गाड़ी के पास आकर खजाने का बक्सा हथिया लिया। बचे सिपाही हतोत्साहित और पराजित होकर वहाँ से भाग खड़े हुए। जो आदमी गाड़ी के ऊपर खड़ा था और जिसने अंत में युद्ध का मुख्य नेतृत्व किया था, वो भवानंद के पास आया। दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन में बांध लिया। भवानंद बोला, भाई जीवानंद, तुम्हारा व्रत सार्थक हुआ। जीवानंद बोला, भवानंद, तुम्हारा नाम सार्थक हो। लूटे हुए खजाने को यथास्थान ले जाने के वास्ते जीवानंद को नियुक्त किया गया था। वो जल्दी ही अपने अनुचरों के साथ वहाँ से चल पड़ा। भवानंद अकेला खड़ा रह गया। महेंद्र बैलगाड़ी से उतरकर एक सिपाही की तलवार छीनकर लड़ाई में सहयोग देने को तत्पर हुए थे, मगर तभी उन्हें साफ लगा कि ये लोग डाकू हैं, धन लूटने के लिए ही सिपाहियों पर आक्रमण किया है। ये सोचते ही वे युद्ध स्थल से हटकर दूर जा खड़े हुए थे। डाकुओं का साथ देना उन्हें गवारा नहीं। अगर ऐसा करते तो डाकुओं के दुराचरण में भागीदार बनना पड़ता। वो तलवार फेंक कर उस जगह से जाने लगे। तभी भवानंद उनके पास आ खड़ा हुआ। महेंद्र ने पूछा, महाशय आप कौन हैं? भवानंद बोला, ये जानकर तुम क्या करोगे? बस जानना चाहता हूँ, आज मैं आपकी मदद से ही तो उपकृत हुआ हूँ। तुम्हें इसका एहसास है? ऐसा मुझे लगा नहीं। हाथ में हथियार होते हुए भी अलग खड़े रहना ये तो उचित नहीं।
जमींदार के बेटे हो, दूध घी खाकर मजबूत हुए हो, लेकिन काम के समय मुंह फुलाकर दूर हो गए। भवानंद की बात खत्म होते हैं होते महेंद्र नफरत से बोला, ये कुकर्म डकैती हैं। भवानंद बोला, होने दो डकैती, हमने तुम्हारा कुछ उपकार किया है, कुछ उपकार और करना चाहते हैं। तुम लोगों को मेरा कुछ और उपकार करना है, मगर अब और क्या उपकार करोगे? डकैतों के हाथों उपकृत होने के बजाय मैं अनुपकृत ही रहना उचित समझता हूँ। उपकार ग्रहण करो या मरो, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर इच्छा हो तो हमारे साथ चलो, तुम्हारी पत्नी और बच्ची से तुम्हारा मेल करा देंगे। महेंद्र चौंक कर बोला, क्या कहा? भवानंद ने इसका उत्तर नहीं दिया और चुपचाप चल पड़ा। महेंद्र भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। वो मन ही मन सोच रहे थे, ये किस तरह के डाकू हैं। उस चांदनी रात में दो लोग खामोश मैदान को पार करते हुए चल पड़े। महेंद्र चुप थे, शोकाकुल, गर्वित और थोड़ा कौतूहल में डूबे हुए। भवानंद एक भिन्न प्रकृति का बन गया था। वो स्थिर मूर्ति, वो धीर प्रकृति वाला सन्यासी नहीं रह गया था, वो तो रण निपुण वीर मूर्ति बन गया था, सैन्य नायक का वध करने वाले जैसा नहीं रह गया था। थोड़ी देर पहले जिस प्रकार वो गर्व से महेंद्र का तिरस्कार कर रहा था, उसका वो रूप तिरोहित हो चुका था। एकाएक हंसमुख, हंसी मजाक करने वाला प्रिय साथी बन गया था, बातचीत करने को बेहद उत्सुक। वो बातचीत का काफ़ी प्रयास कर रहा था, मगर महेंद्र कुछ बोल नहीं रहा था। इस पर भवानंद निरुपाय होकर अपनी धुन में गीत गाने लगा। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम। महेंद्र गीत सुनकर थोड़ा विस्मित हो गए। कुछ समझ नहीं सके कि सुजलाम सुफलाम मल्य शीतला शस्य श्यामला ये माता कौन है। पूछा, माता कौन है? इसका उत्तर न देकर भवानंद गाने लगे, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, पुल्लव कुसुमितन द्रुमदुल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणीम, सुखदाम वरदाम मातरम। महेंद्र बोले, ये तो देश हुआ, माता तो नहीं। भवानंद बोला, हम और किसी माँ को नहीं मानते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। हम जानते हैं जन्मभूमि ही जननी है, हमारी माँ नहीं, बाप नहीं, बंधु नहीं, स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, घर नहीं, मकान नहीं। हमारे लिए है सिर्फ वही सुजला सुफला मलयज समीरण शीतला शस्य श्यामला। सब कुछ समझकर महेंद्र बोले, तब तो और भी गाओ। भवानंद फिर गाने लगे, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम, फुल्लभ सुमितन द्रुमदुल शोभिनम, सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम, सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम। महेंद्र ने देखा, डाकू गाते गाते रोने लगा था। इस पर महेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, तुम लोग कौन हो? भवानंद बोला, हम संतान हैं। संतान का क्या मतलब? किसकी संतान? माँ की संतान। ये तो ठीक है, मगर क्या संतान चोरी डकैती करके माँ की पूजा करती है? ये कैसा मातृभक्ति? हम चोरी डकैती नहीं करते, अभी अभी तो तुम लोगों ने गाड़ी लूटी है। वो क्या चोरी डकैती है? हमने भला किसका रुपया लूटा? क्यों, राजा का? राजा का? ये जो रुपया पैसा वो ले जा रहा था, उन रुपयों पर उनका क्या अधिकार? अरे, ये तो राजा का राजभोग था। जो राजा राज्य का ठीक से संचालन ना करे, वो भला कैसा राजा? मुझे लगता है तुम लोग सिपाहियों की तोप के आगे किसी दिन उड़ा दिए जाओगे। अनेक साले सिपाहियों को देखा है, आज भी देख लिया, अभी अच्छी तरह नहीं देखा, एक दिन ज़रूर देखोगे। वो भी देख लेंगे, मरेंगे तो एक बार ही, दो बार थोड़ी मरेंगे। तो जानबूझकर मरने का क्या लाभ? महेंद्र सिंह, हम समझते थे कि तुम मनुष्यों की तरह मनुष्य हो, मगर अब पता चला कि जैसे सब हैं वैसे ही तुम भी हो, बस दूध घी भकोसने वाले। देखो, सांप धरती पर छाती के बल चलता है, उससे ज़्यादा नीच जीव तो मैंने और कोई नहीं देखा। सांप के शरीर पर पांव लग जाए तो वो भी फन उठा लेता है। क्या तुम्हारा धैर्य किसी बात से भी ख़त्म नहीं होता? तुम देखो, जितने देश हैं, मगध, मिथिला, काशी, रांची, दिल्ली, कश्मीर, क्या किसी के देश में ऐसी दुर्दशा है कि वहाँ के लोगों को खाने को न मिले तो घास खाएं, कांटे खाएं, मिट्टी खाएं, वन लताएं खाएं? किस देश में लोग सियार कुत्ते खाते हैं, मुर्दे खाते हैं? किस देश के इंसान की संदूक में रुपया होते हुए भी उसे चैन नसीब नहीं?
सिंहासन पर शालिग्राम रखकर भी शांति नहीं, घर में बहु बेटी होते हुए निश्चिंतता नहीं, बहु बेटी के पेट में संतान होते हुए भी कोई खुशी नहीं, पेट चीर कर संतान को निकाल दिया जाता है। सभी देश के राजा अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, मगर हमारा मुसलमान राजा हमारी रक्षा कहाँ करता है। धर्म गया, जाति गई, मान गया, कुल गया, अब तो जान भी जाने की नौबत आ पहुँची है। इस नशेखोर दड़ियल को यहाँ से भगाए बिना क्या हिंदुओं को हम बचा के रख सकेंगे? उसे भगाओगे कैसे? मारकर। तुम अकेले भगाओगे क्या एक ही चपत में? डाकू गाने लगा, सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद करा ले, द्वे सप्त कोटि भुजे धूर्त खर खर कारवाले, अबला केलो माँ ऐतो बले। महेंद्र बोला, मगर तुम तो अकेले ही नजर आ रहे हो। क्यों, अभी तो 200 आदमियों को देख चुके हो। तो क्या वे सब संतान हैं? हाँ, सब संतान हैं। और कितने हैं? हजारों हजार, धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे। मान लिया 10-20 हजार हो जाओगे, इससे क्या मुसलमान को राजच्युत कर सकोगे? पलासी में अंग्रेज़ों की फ़ौज में कितने लोग थे? अंग्रेज़ और बंगाली में कैसी तुलना? क्यों नहीं, शारीरिक जोर कितना होता है, क्या शारीरिक जोर ज़्यादा होने से गोले में बारूद खपता है? तो फिर अंग्रेज़ों और मुसलमानों में इतना अंतर क्यों? एक अंग्रेज़ मरने पर भी भागता नहीं, मुसलमान की देह से पसीना छूटते ही वो भागता है, शरबत खोजता फिरता है। फिर अंग्रेज़ों में ज़िद है, जो संकल्प करते हैं उसे पूरा करते हैं, जबकि मुसलमान आराम तलब हैं, रुपयों के पीछे जान देते हैं, इस पर भी उन्हें तनख्वाह नहीं देते। इसके अलावा आखिरी बात ये कि अंग्रेज़ों में साहस है, कमान का गोला एक ही जगह गिरेगा, 10 जगह नहीं। सो एक गोला देखकर 200 अंग्रेज़ लोगों को भगाने की ज़रूरत नहीं, मगर एक गोला देखते ही मुसलमान दल के दल भागते हैं, जबकि दल के दल गोलों को देखकर एक भी अंग्रेज़ नहीं भागता। तुम लोगों में ये सारे गुण हैं? नहीं, लेकिन गुण पेड़ों से नहीं टपकते, इसके लिए सतत अभ्यास करना पड़ता है। तुम लोग क्या अभ्यास करते हो? देखते नहीं हो, हम सन्यासी हैं, हमारा सन्यास इसी अभ्यास की एक कड़ी है। कार्य सिद्ध होने पर, अभ्यास पूर्ण होने पर हम फिर गृहस्थ हो जाएंगे, हमारे भी बच्चे और बीवियाँ हैं। तुम लोगों ने ये सब तो त्याग दिया, मगर क्या मोह त्याग सकोगे? संतान झूठ नहीं बोलते, तुम्हारे सामने झूठी बड़ाई नहीं करूँगा, भला मोह का त्याग कौन कर पाया है? जो ये कहता हो कि मैंने मोह का त्याग कर दिया है, वो या तो पत्थर दिल है अथवा झूठी बड़ाई करता है। हमने मोह का त्याग नहीं किया है, बस अपने व्रत की रक्षा करते हैं। तुम संतान बनोगे? अपनी पत्नी वो बच्ची की खबर पाए बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो चलो, तुम्हें पत्नी और बच्ची के पास ले चलूं। ये कहकर दोनों चल पड़े। भवानंद फिर वंदे मातरम गाने लगा। महेंद्र का गला अच्छा था, संगीत में थोड़ा अभ्यास और रुचि भी थी, सो वो भी साथ में गाने लगा। एकाएक महसूस किया, गाते गाते आंखों से आंसू बहने लगे हैं। महेंद्र बोला, अगर पत्नी और बच्ची का त्याग नहीं करना है तो मुझे भी इस व्रत में शामिल कराओ। भवानंद बोला, जो ये व्रत ग्रहण करता है उसे बीवी बच्चों का परित्याग करना पड़ता है। तुम अगर ये व्रत ग्रहण करना चाहते हो तो पत्नी और बच्ची से मिल नहीं सकोगे। हाँ, उनकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त कर दिया जाएगा, मगर व्रत की सफलता तक उनका चेहरा देखना निषिद्ध होगा। तो मैं ये व्रत ग्रहण नहीं करूँगा। रात गई और सवेरा हो गया। सामने उसी जनहीन जंगल में अब तक अंधकार छाया हुआ था, खामोशी का साम्राज्य था, मगर अब वहाँ रोशनी थी, पक्षियों के स्वर गूंज रहे थे, सारा वातावरण आनंदमय था। उसी आनंदमय सुबह में, आनंदमय जंगल में बने आनंद मठ में सत्यानंद ठाकुर मृग चरम पर बैठे संध्यावीन कर रहे थे। पास में जीवानंद बैठा था। उसी समय भवानंद अपने महेंद्र सिंह को लेकर वहाँ पहुँचा। ब्रह्मचारी बिना कुछ बोले संध्याविक में लीन रहे, कोई किसी से बात करने का साहस नहीं कर सका। बाद में जब संध्याविक समाप्त हुआ तो जीवानंद और भवानंद दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी चरण रज लेकर विनीत भाव से बैठ गए। एकाएक सत्यानंद भवानंद को इशारा करके बाहर ले गए। उन दोनों में क्या बातचीत हुई ये हम नहीं जानते। इसके बाद दोनों मंदिर में वापस लौट आए तो सत्यानंद मुस्कुराते हुए स्नेहपूर्वक महेंद्र सिंह से बोले, मेरे भाई, तुम्हारे दुख से मैं कातर हूँ। बस इस दीन बंधु की कृपा से तुम्हारी पत्नी व बच्ची की उस काल रात्रि में मैं रक्षा कर सका। इतना कहकर उन्होंने कल्याणी की रक्षा का पूरा वृतांत सुना दिया। फिर बोले, चलो, वे जहाँ हैं वहाँ तुम्हें ले चलूँ।
ये कहकर ब्रह्मचारी आगे आगे और महेंद्र सिंह पीछे पीछे चलते हुए देवालय के दूसरी तरफ गए। उस तरफ प्रवेश कर महेंद्र ने देखा वहाँ अत्यंत विस्तृत व ऊंचा एक प्रकोष्ठ है। इन नवरश्मियों से जगमगाते प्रातःकाल में जब पास का जंगल सूर्यलोक में चांदी की तरह चमक रहा था, तब भी वो विशाल कमरा लगभग अंधकारमय था। कमरे के अंदर क्या है महेंद्र पहले ये देख नहीं पाया, मगर लगातार देखते देखते उसे नज़र आया सामने एक प्रकांड चतुर्भुजी मूर्ति स्थापित है। उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। उसका हृदय कौस्तुभ शोभित है और उसके सामने एक सुदर्शन चक्र लगभग घूम सा रहा है। मधुकैटभ स्वरूप दो छिन्नमस्त मूर्तियां खून से लथपथ सी सामने चित्रित थीं। बाईं तरफ लक्ष्मी बिखरे बालों में और शद्दल माला मंडित होकर भय से खड़ी थी। दाईं सरस्वती पुस्तक, वाद्य यंत्र, मूर्तिमान राग रागिनी आदि से परिवेष्टित होकर खड़ी थीं। विष्णु की गोद पर एक मोहिनी मूर्ति थी, लक्ष्मी सरस्वती से भी अधिक सुंदर, अधिक ऐश्वर्यमयी। गंधर्व, किन्नर, देव, यक्ष, रक्ष उसकी पूजा कर रहे थे। ब्रह्मचारी ने अत्यंत गंभीर और भीत स्वर में महेंद्र से पूछा, सब कुछ देख रहे हो? महेंद्र बोला, हाँ। विष्णु की गोद में क्या है, देख रहे हो? देख रहा हूँ। कौन है वो? माँ, ब्रह्मचारी ने बताया, हम जिनकी संतान हैं। वे कौन हैं? समय आने पर पहचानोगे। बोलो, वंदे मातरम। अब चलो, देखने चले। ब्रह्मचारी महेंद्र को दूसरे कमरे में ले गए। वहाँ महेंद्र ने देखा एक अपरूप सर्वांग संपन्न सर्वभरण भूषित मूर्ति। महेंद्र ने पूछा, ये कौन है? माँ जैसी थी। मतलब? इन्होंने कुंज के केशरी आदि समस्त वन्य पशुओं को दलित करके वन पशुओं के निवास स्थान पर अपना पद्मासन स्थापित किया है। ये सर्वालंकार परिभूषित हास्यमय सुंदरी थी। वो वाराक, वर्णाभा एवं पूर्ण ऐश्वर्यशालिनी थी। इन्हें प्रणाम करो। महेंद्र ने भक्तिभाव से जगद्धात्री रूपिणी मातृभूमि को प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मचारी ने उसे एक अंधेरी सुरंग दिखाते हुए कहा, इस पथ पर चलो। इतना कहकर ब्रह्मचारी खुद आगे आगे चले। महेंद्र सभय उनके पीछे पीछे चल पड़ा। भूगर्भस्थ एक अंधेरे प्रकोष्ठ में कहीं से हल्का सा प्रकाश आ रहा था। उसी क्षीण प्रकाश में एक काली मूर्ति नजर आ रही थी। ब्रह्मचारी बोले, देखो, आज माँ का जो हाल हो गया है उसी माँ की मूर्ति है। महेंद्र सभय बोला, काली? काली अंधकार से आच्छन्न कालिमामयी, हृत सर्वस्वा, इसी कारण नग्निका। आज देश में सर्वत्र ही शमशान है, इसी कारण माँ कंकाल मालिनी अपना शव अपने ही पांव तले रौंद रही हैं। हाय माँ! ब्रह्मचारी ने जवाब दिया, हम संतान हैं, माँ के हाथ में सिर्फ यही अस्त्र दिया है। बोलो, वंदे मातरम। वंदे मातरम कहकर महेंद्र ने काली को प्रणाम किया। ब्रह्मचारी बोला, इस पथ से आओ। ये कहकर ब्रह्मचारी ने एक अन्य सुरंग में प्रवेश किया। सहसा उनकी आंखें प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियों से प्रभावित हो उठी। चारों तरफ मधुरकंठी पक्षियों का स्वर गूंज रहा था। महेंद्र ने देखा सामने एक संगमरमर से निर्मित एक मंदिर में सोने से बनी 10 भुजी प्रतिमा नवरुण किरणों से ज्योतिर्मयी होकर मुस्कुरा रही थी। ब्रह्मचारी ने प्रणाम करके कहा, ये वो माँ है जो होगी। 10 भुजाएं 10 दिशाओं में प्रसारित हैं। इन हाथों में विभिन्न अस्त्र विभिन्न शक्तियों के प्रतीक हैं। पांव तले शत्रु दलित हो रहे हैं, चरणों में वीर केसरी शत्रुनाश में संलग्न है। दिग्भुजा, कहते कहते सत्यानंद गदगद स्वर के साथ कांपने लगे। दिग्भुजा नाना प्रहण धारिणी, शकुर विमार्दिनी, वीरेंद्र पृष्ठ विहारिणी, दक्षिण में लक्ष्मी भाई रूपिणी, बाएं वाणी विद्या विज्ञानदायिनी, साथ में शक्ति रूप कार्तिकेय कार्य सिद्धि रूपी गणेश। आओ हम दोनों माओं को प्रणाम करें। दोनों हाथ जोड़कर सिर उठाए एक साथ बोल पड़े, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोनों ने भक्ति भाव से प्रणाम कर लिया तो महेंद्र ने गदगद स्वर में पूछा, माँ की ऐसी मूर्ति कब देख सकेंगे? ब्रह्मचारी ने जवाब दिया, जब माँ की सारी संतानें माँ को माँ कहकर पुकारेंगी उसी दिन ये प्रसन्न होंगी। सहसा महेंद्र ने पूछा, मेरी पत्नी और बच्ची कहाँ हैं? चलो अभी दिखाता हूँ, उन्हें एक बार देखकर उनसे विदा ले लूँगा। विदा क्यों लोगे? मैं ये महामंत्र ग्रहण करूँगा। विदा लेकर उन्हें कहाँ भेजोगे? महेंद्र पल भर सोचकर बोले,
मेरे घर में कोई नहीं, मेरे पास और कोई जगह भी नहीं। इस महामारी के वक्त भला दूसरी जगह भी कहाँ मिलेगी? जिस पत्थर से यहाँ आए हो उसी पथ से मंदिर के बाहर जाओ। मंदिर के दरवाजे पर तुम्हें पत्नी और बच्ची नज़र आएंगी। कल्याणी अभी तक निराहार है। जहाँ वो बैठी है वहीं खाने की सामग्री भी रखी है। उसे खिलाने के बाद तुम्हारी जो इच्छा हो वही करना। अब हम लोगों में से किसी के साथ भी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। तुम्हारा मन अगर ऐसा ही रहा तो उपयुक्त समय पर तुमसे मिल लेंगे। अकस्मात ब्रह्मचारी न जाने किस मार्ग में जाकर गायब हो गया। महेंद्र जिस पद से आया था उसी से बाहर निकला। देखा, नट मंदिर में कल्याणी बच्ची को लेकर बैठी है। उधर सत्यानंद दूसरी सुरंग से सीढ़ियाँ उतरकर एक एकांत भूगर्भ कक्ष में आ पहुँचे हैं। वहाँ जीवानंद और भवानंद बैठे हुए रुपये गिन गिन कर रखते जा रहे थे। उस कमरे में सोने चांदी ताम्र हीरे प्रवाल मोती के ढेर लगे हुए थे। पिछली रात का लूटा हुआ रुपया वो संभाल कर रख रहे थे। सत्यानंद उसी कमरे में प्रविष्ट होकर बोले, जीवानंद महेंद्र आएगा। आ गया तो संतानों का विशेष उपकार होगा, क्योंकि उसके आने से इसके पुरखों द्वारा संग्रहित संचित धनराशि माँ की सेवा में अर्पित होगी। मगर जब तक वो मन वचन कर्म से मातृभक्त न हो जाए तब तक उसे दल में शामिल मत करना। तुम लोगों के हाथ का काम खत्म हो जाए तो तुम दोनों अलग अलग वक्त पर उनका अनुसरण करना, उनकी प्राण रक्षा करना। मौका देखकर उसे श्री विष्णु मंडप में ले जाना। समय असमय उनकी प्राण रक्षा आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह दुष्टों का दमन संतान का धर्म है उसी प्रकार शिष्ट की रक्षा करना भी है। बहुत दुख सहने के बाद महेंद्र और कल्याणी फिर मिले थे। कल्याणी पति को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी। महेंद्र भी रोया। रोने धोने के बाद आंखों में मूर्छा की नींद पड़ गई। आंखों की मूर्छा जब जब दूर होती तब तब आंखों में पानी भर जाता। आंखों के आंसुओं को रोकने के लिए कल्याणी ने खाने की बात निकाली। ब्रह्मचारी के अनुचर खाने का जो सामान रख कर गए थे कल्याणी ने महेंद्र को वही खाने को कहा। दुर्भिक्ष के दिनों में अन्य व्यंजन के मिलते ही कोई संभावना तो थी नहीं। फिर देश में जो कुछ था संतानों के पास वो उपलब्ध था। ये जंगल साधारण लोगों के लिए अगम्य था। जहाँ जिस पेड़ पर जो फल उगता उपवासी लोग वही तोड़कर खाते थे। मगर इस अगम्य जंगल के पेड़ों के फल अब किसी को नहीं मिलते थे। इसी कारण ब्रह्मचारी के अनुचार ढेर सारे जंगली फल व थोड़ा दूध लाकर रख गए थे। सन्यासी ठाकुर की संपत्ति में कुछ गायें भी सम्मिलित थीं। कल्याणी के अनुरोध पर पहले महेंद्र ने भोजन किया, फिर बचा हुआ खाना कल्याणी ने कोने में बैठा कर खाया। थोड़ा दूध बच्ची को पिलाया, थोड़ा बचा कर रख लिया ताकि बच्ची को फिर पिला सके। इसके बाद दोनों को नींद ने धर दबोचा। दोनों ने सोकर थकावट दूर की। नींद से जागने पर वो इस बारे में विचार करने लगे कि अब कहाँ जाएं। कल्याणी बोली, घर पर विपत्ति के अंदेशे से घर बार छोड़कर निकले थे। अब देख रही हूँ घर की अपेक्षा बाहर अधिक विपत्ति है। इससे अच्छा तो यही है कि घर ही चलो। महेंद्र का भी यही विचार था। महेंद्र की इच्छा थी कि घर में कल्याणी को पहुंचाकर और किसी तरह किसी को उसका संरक्षक नियुक्त कर खुद इस परम रमणीय पार्थिव पवित्र माँ की सेवा की व्रत ग्रहण कर लें। सो वो कल्याणी के सुझाव से सहज ही सहमत हो गए। फिर दोनों थकावट मिटाकर कन्या को गोद में उठाकर पदचिन्ह के सफर पर चल पड़े। मगर पदचिन्ह किस मार्ग से जाना होगा उस दुर्भेग्य जंगल में ये पता कर पाना उनके लिए बेहद मुश्किल था। उनका विचार था कि जंगल से बाहर निकलते ही उन्हें रास्ता मिल जाएगा, मगर अब तक तो उन्हें जंगल से ही बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला था। वो देर तक जंगल में ही भटकते रहे। भटकते भटकते वो लौटकर फिर मठ की ओर आने लगे। बाहर निकलने का रास्ता मिल ही नहीं रहा था। सामने एक वैष्णव वेशधारी अपरिचित ब्रह्मचारी खड़ा मुस्कुरा रहा था। इस पर महेंद्र ने रुष्ट होकर उससे पूछा, गोसाई मुस्कुरा क्यों रहे हो? गोसाई बोला, तुम लोगों ने इस जंगल में कैसे प्रवेश किया? जैसे भी किया प्रवेश कर लिया। अब प्रवेश किया तो बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? ये कहकर गोसाई फिर मुस्कुराया। महेंद्र ने बुरा मानकर कहा, तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम बाहर जा सकते हो? वैष्णव बोला, मेरे साथ चलो, मैं रास्ता दिखा दूंगा। तुम लोग यहाँ तक ज़रूर किसी सन्यासी ब्रह्मचारी के साथ आए हो, वरना इस जंगल के अंदर आने और बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं जानता। ये सुनकर महेंद्र बोला, आप संतान हैं? वैष्णव बोला, हाँ मैं भी संतान हूँ, मेरे साथ आओ, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए ही मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। महेंद्र ने पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरानंद गोस्वामी है। ये कहकर धीरानंद आगे आगे चल पड़ा।
महेंद्र और कल्याणी उसके पीछे चल पड़े। धीरानंद ने अति दुर्गम पथ पर चलते हुए उन्हें जंगल के बाहर निकाला और फिर खुद अकेले ही जंगल में दोबारा प्रविष्ट हो गया। आनंदारण्य से उनके बाहर आते ही कुछ दूर वृक्षों के साये में एक विस्तार शुरू हो गया। विस्तार एक तरफ था और दूसरी तरफ था राजपथ। एक जगह जंगल में से एक छोटी सी नदी कलकल करती हुई बह रही थी। नदी का पानी बेहद सफ़ेद था। तट के दोनों तरफ श्यामल शोभामय विभिन्न प्रकार के पक्षी वृक्षों पर बैठे नाना प्रकार का शोर मचा रहे थे। ये स्वर भी मधुर था, जो नदी के मधुर स्वर के साथ ताल मिला रहा था। उसी प्रकार वृक्षों की छाया और नदी के पानी का वर्ण भी आपस में मेल खा रहा था। कल्याणी का मन भी लगता है उसी छाया के साथ मेल खा रहा था। कल्याणी नदी किनारे एक वृक्ष के तले बैठी थी। उसने पति को भी पास बैठने को कहा। पति बैठ गया। कल्याणी ने पति की गोद से बच्ची उठाकर अपनी गोद में ले ली। पति का हाथ अपने हाथ में लेकर कुछ पल तक चुप बैठी रही। थोड़ी देर के बाद पूछा, तुम आज बहुत चिंतित नजर आ रहे हो। जो संकट था उससे तो हमारा उद्धार हो गया, अब किस बात का विषाद? महेंद्र दीर्घ निश्वास छोड़कर बोला, मैं अपने आपे में नहीं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? कल्याणी ने पूछा। सुनो, तुमसे बिछड़कर मेरे साथ जो कुछ घटित हुआ वही सुनाता हूँ। इतना कहकर उसके साथ जो कुछ हुआ था वो उसने सविस्तार कह सुनाया। कल्याणी बोली, मैंने भी बहुत मुसीबतें और तकलीफें सही हैं, तुम सुनकर क्या करोगे। इतनी विपत्ति के बावजूद मुझे किस तरह नींद आ जाती थी कह नहीं सकती। मैं रात के अंतिम काल तक सोती रही थी। सोकर सपना देखा था, एक अपूर्व स्थान पर गई। वहाँ धरती नहीं थी, सिर्फ प्रकाश था, बेहद शीतल मेघ ढके प्रकाश जैसा मधुर प्रकाश। वहाँ इंसान का अस्तित्व नहीं था, केवल प्रकाशमय मूर्ति थी। वहाँ आवाज़ नहीं थी, केवल बहुत दूर जैसे न जाने कैसा गीत नाट्य गूंज रहा था। चारों ओर जैसे एक नवीनता फूट रही हो। उसी प्रकार मल्लिका, मालती और गुलाब की गंध फूट रही थी। वहाँ सबके ऊपर सबसे दर्शनीय स्थान पर जैसे कोई बैठा था, जैसे नील पर्वत अग्निप्रभ होकर अंदर ही अंदर मन मन प्रज्वलित हो रहा है। वृहत अग्नि किरीट उसके माथे पर स्थापित थे, उसके जैसे चार हाथ थे। उसके दोनों ओर न जाने क्या था जिसे मैं पहचान नहीं पाई। लगता है जैसे वो स्त्री मूर्तियां हों, मगर ऐसी रूपवान, ऐसी ज्योतिर्मय, उसमें इतना सौरभ, मैं उसकी तरफ देखते ही विवल हो उठी। ज़्यादा देर तक देख नहीं सकी, पहचान भी नहीं सकी कि कौन है। लगा उस चतुर्भुज मूर्ति के सामने एक और स्त्री मूर्ति खड़ी है। वो भी ज्योतिर्मय थी, मगर चारों ओर मेघ थे, प्रकाश भली भांति चमक नहीं रहा था। अस्पष्ट सा लग रहा था कि अति क्षीण मगर अति रूपवती मर्म पीड़िता कोई स्त्री मूर्ति रो रही है। मुझे जैसे सुगंधित मंद पवन बहाती बहाती लहरों पर नचाती नचाती उस चतुर्भुज के सिंहासन तले लेकर चली आई। जैसे वो मेघ मंडिता क्षीण स्त्री मुझे देख कर ही बोली, यही है वो जिसके कारण महेंद्र मेरे पास आना नहीं चाहता। तभी जैसे मुझसे बोली, तुम पति को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, यही तुम्हारी माँ है, तुम्हारा पति इसी की सेवा करेगा। तुम पति के पास रहोगी तो इसकी सेवा नहीं होगी, तुम मेरे पास चली आओ। मैं जैसे रोकर बोली, मैं अपने पति को छोड़कर कैसे आऊँ। तभी फिर बांसुरी जैसा स्वर गूंजा, मैं ही पति हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही पुत्र हूँ, मैं ही कन्या हूँ, मेरे पास आओ। मैंने क्या कहा, मुझे याद नहीं, मेरी नींद टूट गई। इतना कहकर कल्याणी चुप हो गई। महेंद्र विस्मित, स्तंभित और डरकर चुप रह गया। दिमाग में जैसे झंझावत उठ पड़ा। पपीहे के स्वर से आकाश गूंजने लगा। कोकिला दिग्मंडल में कूकने सी लगी। भृंगराज के कलकंठ से सारा जंगल कांप गया। पांव तले तटिनी मृदु स्वर में कल्लोल करने लगी। हवा के झकोरे पुष्पों की गंध चारों ओर फैला रहे थे। कहीं बीच बीच में नदी जल में धूप की चमक झिलमिला रही थी, कहीं ताड़ के पत्ते मंद हवा में सर सर की आवाज़ कर रहे थे। दोनों जने काफ़ी देर तक मुक्त होकर चुप रहे। कई क्षणों के बाद कल्याणी ने दोबारा पूछा, क्या सोच रहे हो? महेंद्र बोला, क्या करूं, यही सोच रहा हूं। स्वप्न तो केवल विभीषिका मात्र है, ऐसे स्वप्न अपने मन में पैदा होकर अपने मन में ही विलीन हो जाते हैं। ये जीवन के जल बिंब होते हैं। चलो घर चलते हैं, जहाँ देवता ने तुम्हें जाने को कहा है वहीं जाओ। ये कहकर कल्याणी ने बच्ची को पति की गोद में डाल दिया। महेंद्र ने बच्ची को गोद में लेकर पूछा, और तुम कहाँ जाओगी? कल्याणी ने दोनों हाथों से आंखें छिपाकर सिर झुका लिया
बोली, मुझे भी देवता ने जहाँ जाने को कहा है वहीं जाऊँगी। महेंद्र चौंक पड़ा, बोला, कहाँ जाओगी? कल्याणी ने जहर की वही शीशी दिखाई। महेंद्र ने विस्मय से कहा, ये क्या, जहर खाओगी? खाने के वास्ते ही लाई थी, किंतु कल्याणी चुप होकर सोचने लगी। महेंद्र एक टक उसका चेहरा निहारने लगा। एक पलक झपकने में भी वर्ष का सा काल बीत गया। कल्याणी को अपनी बात खत्म करते न देखकर महेंद्र ने पूछा, तुम क्या कहने जा रही थी? जहर खाने को सोचा था, मगर तुम्हें छोड़कर, सुकुमारी को छोड़कर बैकुंठ जाने की मेरी इच्छा नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। ये कहकर कल्याणी ने जहर की शीशी ज़मीन पर फेंक दी। इसके बाद दोनों भूत और भविष्य के बारे में बातें करने लगे। बात बात में दोनों ही अनमनस्क हो उठे। इसी दौरान बच्ची ने खेल खेल में जहर की शीशी उठा ली। शीशी से खेलते खेलते शीशी खुल गई, अंदर से जहर निकल पड़ा। बाप के कपड़े के ऊपर छोटी सी गोली आ गिरी। सुकुमारी ने उसे देखा, सोचा, ये भी शायद खेलने की कोई चीज़ है। शीशी फेंक कर उसने उछल कर गोली उठा ली। सुकुमारी ने शीशी मुँह में क्यों नहीं डाली ये कहना मुश्किल है, किंतु गोली को मुँह में लेते ज़रा भी विलम्ब नहीं हुआ। देखते ही उसने गोली मुँह में डाल ली। तभी उस पर माँ की नज़र गई। अरे, क्या खा लिया, क्या खा लिया तूने, हे भगवान! कल्याणी ने ये कहकर बच्ची के मुँह में उंगली डाली। एकाएक दोनों ने देखा, जहर की शीशी खाली है। सुकुमारी को लगा, ये भी कोई खेल है, सो वो दांत निपोर कर, दांत अभी अभी उगे हुए थे, तो माँ की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। इसी बीच उसे शायद विष की गोली का कड़वा स्वाद महसूस हुआ, क्योंकि कुछ देर में उसने खुद ही दांतों से जकड़ी गोली छोड़ दी। कल्याणी ने गोली बाहर निकाल कर फेंक दी। बच्ची रोने लगी। गोली ज़मीन पर पड़ी रही। कल्याणी नदी से आंचल भिगोकर पानी लाई और बच्ची के मुँह में डाला। फिर बेचैनी से महेंद्र ने पूछा, कहीं विष पेट में तो नहीं गया? माँ बाप के मन में पहले बुरी शंका ही तो उठती है, जहाँ ज़्यादा प्यार होगा वहीं ज़्यादा भय भी उपजेगा। महेंद्र को पता नहीं था कि पहले गोली कितनी बड़ी थी। उसने गोली हाथ में उठाकर काफ़ी देर तक उसका निरीक्षण किया, फिर बोला, लगता है काफ़ी गोली खाली है। कल्याणी को भी यही विश्वास था। उसने गोली हाथ में लेकर उसका काफ़ी देर तक निरीक्षण किया। इधर बच्ची ने जो दो एक घूंट लिए थे उसी कारण कुछ विकृतावस्था में पहुँच गई थी। थोड़ा छटपटाने लगी, रोने लगी, अंत में कुछ अवसन्न होकर पड़ी गई। कल्याणी पति से बोली, अब देखते क्या हो, जिस राह से भगवान ने बुलाया है बेटी उसी राह चली, मुझे भी उसके साथ जाना होगा। ये कहकर कल्याणी ने विष की गोली मुंह में डाल ली और अगले पल ही निगल ली। महेंद्र रोकर बोला, ये क्या किया कल्याणी, तूने ये क्या किया? कल्याणी कुछ बोली नहीं। उसने पति के चरणों की रज उठाकर माथे से लगा ली। बोली, प्रभु, बात बढ़ाने से बात बढ़ेगी ही, मैं चली। कल्याणी, ये क्या किया तुमने? ये कहकर महेंद्र चीख चीख कर रोने लगा। कल्याणी बेहद मृदुल स्वर में बोली, मैंने जो किया ठीक ही किया, वरना मुझ जैसी निरर्थक औरत के पीछे तुम देश की सेवा भी नहीं कर पाते। देखा, माँ भगवान की इच्छा के विरुद्ध आचरण कर रही थी, इसी कारण बेटी मर गई, और अगर कुछ और गलती कर बैठती तो तुम्हें खो देती। महेंद्र रोता हुआ बोला, तुम्हें कहीं सुरक्षित छोड़ आता, फिर मेरा काम जब सिद्ध हो जाता तो तुम्हें लाकर सुख से जीवन यापन करता। कल्याणी, मेरी सर्वस्व, तुमने ऐसा क्यों काम किया? जिन हाथों के जोर से मैं तलवार पकड़ता वही हाथ काट दिए, तुम्हें गंवाकर मेरा अस्तित्व ही क्या है? कल्याणी बोली, मुझे लेकर कहाँ जाते, ऐसी जगह ही कहाँ है? माँ बाप बंधु बांधव इस दारुण दुख समय में सभी तो मारे गए, किसके घर में जगह है, जाने का कोई रास्ता ही कहाँ है, मुझे तुम कहाँ ले जाते? मैं तो तुम्हारी राह की बाधा हूँ, मैं मरी तो तुम्हारा भला ही होगा, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं उस आलोकमय स्थान में जाकर तुम्हारे फिर दर्शन कर सकूँ। ये कहकर कल्याणी ने पति के चरण की रज लेकर सिर से लगा ली। महेंद्र से कोई उत्तर देते ना बना, वो बस रोने लगा। कल्याणी फिर बेहद धीमे स्वर से, स्नेह व मधुर कंठ से बोली, देखो किसकी हिम्मत थी वो भगवान की इच्छा के विरुद्ध काम करे। मेरे देवता ने मुझे जाने की आज्ञा दी है, अब चाहकर भी मैं मिला कैसे रुक सकती हूँ? खुद नहीं मरती तो कोई और मुझे मार डालता, मैंने मरकर अच्छा ही किया है। तुमने व्रत ग्रहण किया है, मन वचन कर्म से उसे सिद्ध करना, पुण्य होगा, इससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, दोनों जने मिलकर अनंत स्वर्ग भोग करेंगे। इधर बच्ची दूध की उल्टी करके संभल गई।
उसके पेट में विष का जो अंश गया था वो घातक नहीं था। लेकिन उस समय महेंद्र का मन उस तरफ नहीं गया था। वो बच्ची को कल्याणी की गोद में डालकर दोनों को बाहों में बंधक करके अनवरत रोए जा रहा था। तभी जैसे जंगल के अंदर से धीमे लेकिन मेघ गंभीर स्वर में ये सुनाई देने लगा, हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शैरे। कल्याणी उस समय विष से प्रभावित हो रही थी, उसकी चेतना कुछ कुछ खोने लगी थी। उसने सम्मोहन की स्थिति में सुना, जैसे बैकुंठ से वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शैरे। तभी कल्याणी भी स्वर्ग से उतरी परी की तरह मोहक स्वर में गाने लगी, हरे मुरारे मधुकैट भारे। फिर महेंद्र से बोली, हरे मुरारे मधुकैट भारे। कल्याणी के मधुर स्वर से निकले बोलों से विमुक्त होकर ईश्वर को अपने चित्त में बिठाकर महेंद्र भी गाने लगा। तभी चारों ओर स्वर गूंजने लगा, हरे मुरारे मधुकैट भारे। लगा जैसे पेड़ों पर बैठे पक्षी भी गा रहे हों, नदी के कल कल स्वर से जैसे गूंज रहा था। एकाएक महेंद्र अपना शोक ताप भूल गया, उन्मत्त होकर वो कल्याणी के साथ एक लय में गाने लगा, हरे मुरारे मधुकैट भारे। सारा जंगल जैसे उनके स्वर में स्वर मिलाकर गाने लगा। कल्याणी का स्वर धीमे धीमे धीमा पड़ता जा रहा था, फिर भी वो गा रही थी। धीरे धीरे स्वर निस्तब्ध होता गया, कल्याणी के गले से स्वर निकलना बंद हो गया, आंखें मूंद गईं, शरीर ठंडा पड़ गया। महेंद्र को लगा जैसे कल्याणी हरे मुरारे पुकारते पुकारते बैकुंठ जा पहुँची। वो पागलों की तरह जंगल गुंजाता हुआ पशु पक्षियों को चौंकाता हुआ पुकारने लगा, हरे मुरारे मधुकैट भारे। उसी समय न जाने किसने आकर उसे प्रगाढ़ आलिंगन में बांध लिया। इसके साथ ऊंचे स्वर में ये भी गाने लगा, हरे मुरारे मधुकैट भारे। तब उस अनंत व्यापी ईश्वर की महिमा से उस अनंत जंगल में अनंत गामिनी शरीर सुखों से दोनों जने अनंत का नाम का गीत गाने लगे। पशु पक्षी नीरव हो गए, सारी पृथ्वी अपूर्व सौंदर्य से मंडित हो गई, जैसे इस चरम गीति का यही पृथ्वी मंदिर हो। सत्यानंद महेंद्र को गोद में लेकर बैठ गए